हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस जमुई। आज हम लोग क्लास 10 का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है 17 फरवरी 2023, उसको हम लोग देखने वाले हैं। इसका देखिए सर, इसका विषय कोड है आपका 213 और सेट कोड आपका है ए। ठीक है, इसका जितने भी ग्रामर वाले पोर्शन होंगे सर, इसको हम लोग देखते हैं। इसका 1 से 60 तक होगा सर, 1 से इसका 60 तक होगा, इसका बुक से और 61 से आपका 100 तक होगा ग्रामर से। तो इसका ग्रामर वाले पोर्शन हम करने वाले हैं सर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर दें। इससे पहले सर, अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो पब्लिश हो तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो आइए सर 61 से चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है आपका एम्पैथी, EMPATHY एम्पैथी। इसका आपको सिनोनिम बताना है सर, समानार्थक शब्द इसका बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सर राइट आंसर, सिम्पैथी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 का चेस्ट का इसका बोला है, चेस्ट का सिनोनिम बोला है, तो प्योर होगा। इसका मतलब भी होता है शुद्ध या तो प्योर, शुद्ध आप बोल सकते हैं। और इसका एम्पैथी मतलब सहानुभूति, सहानुभूति ये इसका हिंदी हो गया। आप हिंदी याद रखेंगे सर, आपको सारे बन जाएगा। आप देखेंगे नेक्स्ट अगला 63 एंटोनिम आपको बताना है, प्रेशियस मतलब होता है कीमती, क्या होता है कीमती, कीमती होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, चीप मतलब सस्ता, इसका एंटोनिम पूछा था सस्ता, इसका सी राइट आंसर होगा। अगला आप देखेंगे इंस्टेंट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 64 है, तो इसका भी एंटोनिम पूछा है सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिमिलर, समान। इंस्टेंट मतलब अलग और सिमिलर मीन समान। अगला क्वेश्चन नंबर 65 में आपका यहाँ से बताने 65 से 71 तक आपको चूज द मोस्ट सुटेबल प्रपोजिशन, प्रपोजिशन सर आपको बताना है, प्रपोजिशन सर इसको आप बताना है। 65 में आप देखेंगे अफ्रेड स्मिता इज अफ्रेड डैश लिजार्ड, मतलब अफ्रेड का इसका ये फिक्स प्रीपोजिशन है सर, अफ्रेड इसका ये फिक्स प्रीपोजिशन है सर, अफ्रेड ऑफ लेता है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा। अफ्रेड जहाँ भी लिखा हुआ आपका रहेगा वहाँ पे आप सिर्फ लगाएंगे ऑफ, अफ्रेड ऑफ। अगला 66 आप देखेंगे, 66 में है आई एम ज्वेलिस डैश डैम, ज्वेलिस क्या लेता है 62 ज्वेलियस जहाँ भी रहेगा ये फिक्स प्रपोजिशन सब पूछा है सर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे 67 में है कॉन्फिडेड ऑन लेता है ऑन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे 68, इसका ग्रामर जितना है सर हम सारे आपसे आपको बता देंगे। 68 में दे डिसाइडेड डैश द ब्लैक ड्रेस, ड्रेस तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिसाइडेड इन लेता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप 69 में इंटरेस्टेड इन लेता है, इंटरेस्टेड क्या लेता है इन लेता है, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सब फिक्स प्रीपोजिशन सर पूछा है आपसे, एकदम सिंपल होता है ये, अगर आप याद कर लेंगे तो आप सारे बना सकते हैं। एवर्स 2 70 में देखेंगे एवर्स, देखिए ये भी फिक्स प्रीपोजिशन से आपको पूछा, एवर्स हमेशा 2 लेता है, यहाँ पे क्या भरेगा 2 कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, आप सही मारे थे। अगला देखेंगे नाइस, इट वाज नाइस डैश यू टू कम, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये भी सही है, 20 का राइट आंसर होगा नाइस ऑन। डायरेक्शन 72 to 74 चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन पूछा है आप देख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा शरारती लड़कों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, फ्यूचर में पूछा है। 72 का आप आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर ए, इसका राइट आंसर होगा, ये सही मारे हैं आप। नेक्स्ट देखेंगे 73 में कुत्तों को पीटा गया, नहीं कुत्तों को पीटा गया, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा द डॉग्स वेयर बीट अप, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 74 क्या वह स्टेशन नहीं पहुंच, क्या वह स्टेशन नहीं पहुंच चुका होगा, ये आपका फ्यूचर वाला आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विल ही नॉट हैव रीच्ड स्टेशन, सी इसका राइट आंसर होगा, आप सही मारे थे। अगला में है 75 to 80 चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको करेक्ट ऑप्शन छांटना है। 75 में है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, ही सेड टू मी
कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, कौन होगा ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके सिर्फ जितना भी ऑप्शन होंगे सर हम आपको मिलाते जाएंगे, आपके जितने क्वेश्चन सही होंगे आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। अगला इसका सी हो जाएगा सर, अगला देखते हैं। अगला है 76 डायरेक्ट स्पीच ऑफ, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे आप 77 में है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, ही सेड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, ही टोल्ड हर आई वांट टू मीट योर फादर, तो 77 का कौन हो जाएगा, ये बी हो जाएगा सर, ही टोल्ड हर दैट ही वांटेड टू मीट हर फादर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे 78 डायरेक्ट स्पीच ऑफ, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, ऑप्शन कौन हो जाएगा, 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 79 में ही एक्सक्लेम दैट इट वाज वेरी कोल्ड डे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर, ही वाज 80 का राइट आंसर हो जाएगा सर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक्टिव वॉइस ऑफ द मैसेज विल बी पास्ड बाय राहुल इज, आपको इसका एक्टिव बनाना है, ये पैसिव में आपका दिया गया है ठीक है, विद 3 प्लस बाय, ये पैसिव का पहचान है, इसका एक्टिव दिया गया है आप खोजिए। 81 का हो जाएगा ए, राहुल विल पास द मैसेज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 82 एक्टिव वॉइस ऑफ, आई वाज हर्ट डीपली बाय हिज कमांड, डीपली बाय हिज कमांड, ये आपका पैसिव में लिखा गया है, आपको एक्टिव बताना है, तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ही कमेंट हर्ट मी डीपली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे 83 द वॉच वॉज स्टोलन बाय हिम स्टोलन बी 3 प्लस बाय लगा हुआ है सर, ये आपका पैसिव का पहचान है, आपको एक्टिव बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ही स्टोल द वॉच, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे 84 में आपका पैसिव वॉइस ऑफ, हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, इसका पैसिव बनाना है सर, देखिए आपका हु लिखा गया है तो सबसे पहले बाय से ही स्टार्ट होगा, तो सारे में आपका बाय लिखा गया है, उसके बाद होम लगेगा, तो होम भी लगा गया सारे में सर, आप देख सकते हैं कैन यहाँ है तो कूड लगेगा, यहाँ पे कैन ये नहीं होगा, फिर कैन लगा गया ये भी नहीं होगा, यहाँ पे कूड है, यहाँ भी कूड है, द स्टार्स यहाँ पे इन नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप 85 में देखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ, आई डोंट नो हिज वेयर अबाउट्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, हिज वेयर अबाउट्स आर नॉट नाउन टू मी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 86 में है पैसिव वॉइस बताना है आपको, डू यू इमिटेट अदर्स, कौन होगा, 86 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 87 आपको डायरेक्शन देख लेना सर, 87 to 93 चूज द करेक्ट स्पेल्ट, नहीं करेक्ट स्पेल्ट आपको सही वाला आंसर बताना है, 87 का हो जाएगा PRENT, आपको इनमें से सही वाले पोर्शन बताना है सर, ये फॉर को दिया गया लेकिन इसमें तीर को गलत मीनिंग लिखा गया है, एक आपका सही आंसर है उसको आप छाटेंगे, APPA नहीं होता है, ये आपका गलत हो गया, APPA होता है, ये दोनों छट गया, APPP होता है, तो यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप 88 देखेंगे, 88 में है डिस्काउंट का आपको बताना है, तो DISCOUNT, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला आप देखेंगे 89 सफिशियंट, SUFFICIENT, यही सही होगा सर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप 90 में देखेंगे कौन हो जाएगा, QUSTIER नहीं होता, ये नहीं होगा,
PST वो डबल एन ई डबल एन ए आई आर नहीं होता, डबल ए आई आर ई होता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। QUESTI और डबल एन ए आई आर ई ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 91 का ऑप्शन हो जाएगा आपका HUMORAS, ये नहीं होगा आपका HUMOROUS, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे 92 में है आपका प्रिविलेज, PRIVILLEL नहीं होता है सर, ये आपका नहीं होगा, PRIVILLEGE लास्ट में होता है, ये भी नहीं होगा, लास्ट में ई होता है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन बना बचा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, PRIVILLEGE इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप 93 कॉन्वेनेंस, तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा CUNVIENCE, ये नहीं होगा, CUNVIENCE ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा, CUNVIENCE होता है ऑप्शन नंबर बी। आइए सर 94 देखते हैं, 94 देखने से पहले सर इसका डायरेक्शन आप देख लेंगे, 94 to 100 चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा है, आइए देखते हैं। तो 94 में है I डैश ए गुड फिल्म yesterday, yesterday पहचाने सर पास्ट का, तो ये आपका V1 है, ये हमेशा लगता है, फ्यूचर में भी लगता है और प्रेजेंट में भी लगता है, तो ये आपका नहीं होगा, सीन ये नहीं लगेगा, ये सिंपल आपका yesterday दिखा रहा है पास्ट इंडेफिनिट का, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा saw, SAW। आइए नेक्स्ट देखते हैं 95 में है द गर्ल बाय डैश वैन आई इंटर द रूम, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा सर संग, SUNG यहाँ पर आएगा, SUNG द गर्ल बाय संग वैन आई इंटर द रूम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ये ए नहीं होगा, ये आपका गलत है। आइए 96 को देखते हैं, 96 में आर यू डैश टू गो टू अमेरिका, नहीं आपका टू लगा गया, वर्ब के तुरंत बाद जो टू लगता है वो उस वर्ब के तुरंत बाद टू लगाया, तो जो वर्ब आएगा वो हमेशा V1 में आएगा आपका, तो ये आपका V5 नहीं लग सकता, V4 आपका नहीं लग सकता, V3 आपका नहीं लग सकता, तो ऑप्शन नंबर एक ही बचा है सर प्लान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका V1 है, तो जम्पड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे अब 98 ही वाज डैश द जनरल रीडिंग, ये आपका नहीं होगा, ये बिल तो नहीं आएगा आपका, वाज बिल कैसे लग सकता है, वाज के साथ V1 भी नहीं लगेगा, हेड भी नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रीडिंग। नेक्स्ट अगला 99 में सर आप देख सकते हैं ही ऑलवेज डैश टू द सुपरमार्केट एलोन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका भर्व आएगा और भर्व के तुरंत बाद आपका टू लगा है, जो भर्व आएगा आपका वो हमेशा V1 में आएगा, ये आपका V4 है नहीं लगेगा, ये आपका V5 है नहीं लगेगा, ये विल गो है, ये एक्सलरी भर्व लगा के नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा है सर, इसका गो राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा सर ग्रामर वाले पोर्शन में, तो 100 में है सी डैश इन स्कूल ऑल डे, तो ये आपका बी नहीं लग सकता, क्योंकि जो क्या बोलता है ऑक्सलरी भर्व है ये, और इसके बाद मेन भर्व आपका आना चाहिए, बी भी नहीं लग सकता, बीइंग भी नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर एक ही बचा हैज़ बीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतने सारे ग्रामर वाले पोर्शन थे सर मैंने आपको बताया, इधर आपको सेक्शन बी में, सेक्शन ए में वो था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको सेक्शन बी में है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब कि आपको लिखना पड़ेगा, तो ये आपको बना लेना था सर, रीड द केयरफुली पैसेज, फैलना डकाना और इसमें से आपको आंसर देना था, ये आपका पैसेज दिया गया और इसको पढ़ करके आंसर देना था, ये आप बना लिए होंगे, तो इतना ही सर आज के वीडियो में, तो आज के वीडियो में इतना ही सर रखेंगे, और ग्रामर वाले जितने पोर्शन थे मैंने आपको बता दिया, और जो बुक वाले सर है उसको आप मिला लेंगे, तो आइए सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बने रहिए मेरे साथ, ओके।